दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में काफी पॉपुलर क्रिएटर्स हैं जो कि अभी उभर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने 500K के करीब अपने सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं और उसके आगे मतलब मिलियन को हिट करने की वो सोच रहे हैं, जिनमें से एक नाम जो है ना गाइस वो है मोनू देवरी। और उनका जो चैनल चलता है वो मोनू ऑफिशियल के नाम से चलता है। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जरूर जानते होंगे और इस वीडियो को जो देख रहा है वो तो जरूर उन्हें जानता होगा। तो गाइज मोनू देवरी जो है वो अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनको हमने देखा है मुंबई दिल्ली ये सब जो जगह है वो घूमते हुए। लेकिन भाई हमें ये नहीं पता कि मोनू जो है ना उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। भाई अगर गर्लफ्रेंड है तो कौन है, कैसी है, और साथ साथ हमें ये नहीं पता कि मोनू जो है ना मोनू ने एडीज एम्पायर की बेइज्जती कर दी है। कैसे, मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ अगर भाई आप चाहते हो मुझसे बातें करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं रिप्लाई देता हूं, सब जानते हैं गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो मोनू है, मोनू अपने हसमुख अंदाज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब कि वो जिससे भी मिलता है हंसते हुए मिलता है और बड़े ही प्यार से मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ बंदा है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उससे मिलने जा रहा है तो उसके साथ उसका बिहेवियर थोड़ा भी बुरा हो जाए, वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा पोलाइटली एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करता है। वैसे तो वो नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन भाई क्रिएटर्स बन जाने के बाद बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनके अंदर एक अहम का भाव आ जाता है जिसमें वो थोड़ा सा लोगों को इग्नोर करना शुरू करते हैं, लेकिन मोनू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ भाई इस वीडियो में वो गर्लफ्रेंड रिलेटेड बातें भी बता रहा है, क्या बता रहा है आप सुनिए। और इस वीडियो को जो शूट किया था ना, वो शूट किया था व्लॉगर अजय आरबी ने। आप पूरी अगर मोनू के साथ बातचीत वो व्लॉग देखना चाहते हो तो आप व्लॉगर अजय आरबी के चैनल को जो है ना जाकर के चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आते हैं मोनू, वेलकम वेलकम। पहले बुरा होता जा रहा हूं, मेरा मगज काम नहीं कर रहा है। तो फाइनली वो लोग चले गए हैं और वो लोग जब आए थे इतना बारिश बारिश, मेरा घर में जो कोई भी आता है बारिश लेके आता है, लेकिन तुम लोग धूप लेके आए हो, थैंक यू। बोल रहा था कि ये बिस्ना सराली है, दो तीन लोग मेरे साथ फोटो मारने के लिए आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे भी मेरा फ्रेंड सर्कल होगा। वो एदिका बात याद आ गया था कि हाँ बिचना सराली में बुलाया था एक दिन कहीं ना कहीं। मोटा है तो देखने के लिए वीडियो में आपको पतला लगता है तो थोड़ा बहुत मोटा हुआ। एक्चुअली मतलब ब्रेकअप हो गया ना गाइस, तो इसलिए मतलब टेंशन थोड़ा सा बहुत हट गया है। कौन कहता है कि मोनू इश्क नहीं करता, मोनू इश्क तो करता है लेकिन मोनू पे कोई शक नहीं करता। तो गाइस सुन लिया होगा मोनू का बात, मोनू ये कह रहा है कि भाई कौन कहता है कि मोनू प्यार नहीं करता है, मोनू करता है मगर उस पर कोई शक नहीं करता है। सही कहा भाई, कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना मोनू के लंबे से बालों को देख करके ये समझते हैं कि मोनू की गर्लफ्रेंड तो हो ही नहीं सकती, अगर मोनू का कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ मोनू ने का ये कहना है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। क्योंकि उससे ये भी पूछा जाता है कि भाई आपकी जो मतलब आपको कभी किसी का प्रपोजल आया है, या फिर बहुत सारे आते होंगे, तो मोनू का कहना है नहीं आता है और आएगा भी कैसे। देखो जब ऐसा कोई बंदा होता है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है ना, तो लड़कियां भी उसको प्रपोजल देने के लिए डरती है, वो सोचती है कि नहीं भाई ये तो इंगेज ही होगा पक्का। और जो क्रिएटर होता है वो खुद तो किसी को जाकर के बोल ही नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो जूता चप्पल पड़ जाए, साला बेइज्जती हो जाएगा, वीडियो बन जाएंगे मेरे ऊपर। तो मोनू का ये कहना है कि भाई किसी के प्यार में पड़ने से अच्छा है घर में झाड़ू मार लो भाई, सब खुश हो जाएंगे। सही कहता है मोनू बिल्कुल। अब बात करते हैं मोनू, मोनू ने मेरी बेइज्जती कर दी यार। मोनू का कहना है कि जब भी मैं कॉल करता हूँ मोनू के घर में क्या होता है, बिजली कड़कने लगती है। सुनिए आप क्या कह रहा है मोनू। क्या एदिका कौन है? एदिका एदिका पड़ोसी है आप जी। ओ, वो कल मुझे कॉल कर रहा था, जब वो कॉल करता है मेरा बिजली खड़क खड़क करता है। तो मोनू भाई यार क्यों आप मुझे इंद्रदेव बना रहे हो? भाई मुझे इंद्रदेव नहीं बनना है, इंद्रदेव हमेशा कुछ ना कुछ पंगे करते रहते हैं, ठीक है ना, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सो इंद्रदेव देखो बुरी बात है, मोनू को आप क्यों परेशान करते हो जब भी मैं कॉल करता हूँ? मुझसे कुछ पर्सनली दुश्मनी है क्या? मोनू मेरी इज्जत धज्जियां उड़ा देता है यार, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत करना मोनू, नेक्स्ट टाइम से ऐसा
नहीं होगा। और मोनू भाई आप बहुत ही अच्छे इंसान हो भाई, तो आओ जल्दी से, मेरे पास इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। गाइस यही थी सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और इसीलिए ये वीडियो बनाया गाइस। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ना गाइस तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो मोनू के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ भाई अगर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट हो, मेरे कमाल के व्लॉग्स देखना चाहते हो ना गाइस, तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को चेक करो यार, एडिस व्लॉग असम, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।